हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। एक्चुअली आइसोटोप्स वाला टॉपिक हमारा चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। आइसोटोप्स के हमने डेफिनेशन और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने कर ली है, एग्जांपल्स कुछ हमने कर लिए हैं। अब बात आती है रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स की। ये पॉइंट कई बार डिस्कस हो चुका है लेकिन एक प्रॉपर डेफिनेशन के साथ हम इसको आज करेंगे। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स, एक्चुअली बच्चों हर एलिमेंट का, मोस्टली हर एलिमेंट का आइसोटोप होता है, यानी नेचर में डिफरेंट टाइप ऑफ जो एटम्स है विद द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। और मास नंबर डिफरेंट इसलिए है क्योंकि न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, तो इनको हम आइसोटोप्स बोलते हैं और ये आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। अब इनमें से कुछ आइसोटोप्स तो नेचर में स्टेबल होते हैं, दैट मीन्स वो उनका डीके नहीं होता है या किसी भी टाइप के पार्टिकल या रेडिएशन एमिट नहीं करते। बट कुछ आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं और कंटिन्यूसली कुछ पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल्स या रेडिएशन को वो एमिट करते रहते हैं। ऐसे आइसोटोप्स को जो अनस्टेबल हैं और कंटिन्यूसली कुछ रेडिएशंस एमिट करते हैं, दैट आर नोन एज द रेडियोएक्टिव आइसोटोप। और मोस्टली हर एलिमेंट का कोई ना कोई एक आइसोटोप रेडियोएक्टिव आइसोटोप होता ही है। तो लेट्स राइट द डेफिनेशन ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप। आइसोटोप्स which are unstable, और unstable क्यों है एक्चुअली, इसमें जो न्यूट्रॉन्स की नंबर होती है वो मोर होती है, इसलिए इनका जो न्यूक्लियस है वो हैवी होता है, वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स। तो आइसोटोप्स विच आर अनस्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स एंड एमिट रेडिएशंस और स्मॉल पार्टिकल। देखो रेडिएशंस जैसे पार्टिकल्स कंटिन्यूस बीम की फॉर्म में निकलती है, वही रेडिएशंस होती है। जैसे एक्स रेज और गामा रेज है वो एनर्जी रेज है, और पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो इसमें अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन्स, इस टाइप के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। तो रेडिएशंस और स्मॉल पार्टिकल्स आर नोन एज रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। क्लियर? तो जो रेडिएशंस क्रिएट करते हैं, कंटिन्यूसली एमिट करते हैं, दैट आर नोन एज द रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। ऐसा नहीं है कि रेडिएशन क्रिएट करी वन आवर यानी एक घंटे के लिए क्रिएट करी, रेडिएशन एमिट कर रहे हैं और अगले जो नेक्स्ट वन आवर उसके लिए स्टॉप हो गया, ऐसा नहीं होता, कंटिन्यूसली एमिट करते हैं। नाउ अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं लेकिन मोस्टली हम उन एग्जाम्पल्स को ले रहे हैं यहाँ पर, जो कि हम क्योंकि इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स, तो हमें हमारे एप्लीकेशंस में जो यूटिलाइजेशन होने वाला है उन आइसोटोप्स से हम फेमिलियर होंगे। फर्स्ट हमारा कार्बन 14, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में इंडिकेट कर सकते हैं हम C14। देन आर्सेनिक AS74, सोडियम का सिंबल आपको पता है Na24, आयोडीन का सिंबल पता है I131, कोबाल्ट का सिंबल होता है CO, और CO के ऊपर आप लगा दीजिए 60, CO60, एंड दिस इज द यूरेनियम का सिंबल होता है U एंड 235। तो ये कुछ आइसोटोप्स हैं जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द एप्लीकेशन ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। बच्चों नेचुरल जो आइसोटोप्स हैं जो स्टेबल हैं वो तो नेचर में यूजफुल हैं ही, जैसे कार्बन है, तो ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ कार्बन। कार्बन के बिना उनका कोई स्टेबिलिटी अस्तित्व नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है। सिमिलरली वैसे ही हाइड्रोजन की बात करें तो जो प्रोटियम है वाटर फॉर्मेशन करता है, विदाउट वाटर कोई लिविंग, जितना भी लिविंग जो पार्ट है उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा बिना वाटर के। तो और अगर जितना भी हम नेचर देखें किसी न किसी एलिमेंट एटम से बना हुआ है, तो वो सारे स्टेबल हैं, मोस्टली स्टेबल हैं सब, इसीलिए उनसे बना हुआ है। आप अपने सराउंडिंग में जो भी चीज़ें देखेंगे, बाकी हम बात करें रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स तो इनकी यूटिलिटी सबसे ज़्यादा तो क्या बोलूँ, मोस्टली जो डिफरेंट फील्ड्स हैं सभी में अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी इनकी एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहले हम मेडिकल फील्ड को लें क्योंकि मेडिकल फील्ड में आज इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई है। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स का फर्स्ट है
यूज एज ए फ्यूल इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स, यानी न्यूक्लियर प्लांट्स, ये एनर्जी का जो है एक तरह से एनर्जी क्रिएशंस का, एनर्जी प्रोडक्शन का पार्ट है, यहाँ से एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर जो यूज होने वाला आइसोटोप्स है दैट इज यूरेनियम 235, ये आइसोटोप्स यूज होता है। इसके अलावा और भी आइसोटोप यूज होते हैं। अब यहाँ इसकी बात करें तो ये जो यूरेनियम 235 है इस पर न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डिंग करवाई जाती है जिससे कि यूरेनियम टू स्मॉलर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी क्या होती है, वाटर को बॉयल करने में काम आती है, वाटर से स्टीम बनती है जो कि टर्बाइन को टर्न करता है और टर्बाइन जनरेटर को रन करने में यूटिलाइज होता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये तो इस न्यूक्लियर एनर्जी का या रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का एक पीसफुल वर्क है। इसके अलावा इसको यानी कंट्रोल कंडीशंस में जो एनर्जी है वो इसका पीसफुल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए है और इसका जो अनकंट्रोल पार्ट है यानी अगर हम इस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाएँ तो फिर ये हमारे लिए पीसफुल नहीं रह जाती। तो इसका यूज़ होता है फिर एटम बॉम्ब बनाने में, और एटम बॉम्ब बनाने में यूरेनियम 235 के साथ साथ प्लूटोनियम 239 भी यूटिलाइज होता है। तो एटम बॉम्ब जो बनाए जाते हैं यहाँ पर यह सिमिलर वही रिएक्शन है और वो अनकंट्रोल्ड मैनर में होती है जिसका बहुत ज़्यादा फिर पीसफुल नहीं हार्मफुल इफेक्ट होता है। तो किसी चीज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट होने के साथ साथ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। वैसे जितने भी रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स हैं इनका नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि इनके एनवायरनमेंट में हम लॉन्ग टाइम तक नहीं रह सकते क्योंकि इनकी रेडिएशन क्रिएट होने से बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि बॉडी एबनॉर्मल हो जाती है। इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है हिरोशिमा और नागासाकी का है, वहाँ पर जब एटम बॉम्ब गिराता है ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो भी है, तो वहाँ पर उसका जो इम्पैक्ट है आज भी वो आ रहा है। नेक्स्ट है रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड एज द ट्रेसर टू डिटेक्ट द ट्यूमर्स एंड ब्लड क्लॉट्स, यानी बॉडी के अंदर जो ट्यूमर्स और ब्लड क्लॉट्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए इसको यूटिलाइज किया जाता है। यहाँ पर जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप है वो बॉडी के अंदर बाय सॉल्यूशन या इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, तो जहाँ भी ब्लड क्लॉट या फिर जो ट्यूमर बना हुआ है वहाँ पर रेडियोएक्टिव आइसोटोप एक्युमुलेट होता है और एक्युमुलेट होने के कारण एक साथ वहाँ पर रेडियोएक्टिव अमाउंट, जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप है उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये रेडिएशन क्रिएट करता है, रेडिएशन को काउंट कर लिया जाता है गीगर काउंटर की हेल्प से। अब पर्टिकुलर जगह कहाँ से रेडिएशन सबसे ज़्यादा आ रही है उस पोजीशन का पता चल जाता है। तो इस तरह से जो ट्यूमर और क्लॉट है, क्लॉट में यहाँ ऑप्शन में आपको ब्लड सर्कुलेशन में मिल सकता है कि प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन चेक करने के लिए कौन सा आइसोटोप यूज़ किया जाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन ब्लड क्लॉट्स के लिए सोडियम 24 एंड ट्यूमर्स के लिए आर्सेनिक 74 यूटिलाइज किया जाता है। नेक्स्ट है इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में कोबाल्ट 60, ये आइसोटोप्स आपको पर्टिकुलर डिजीज के साथ ध्यान रखना है। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कोबाल्ट 60 का यूटिलाइज किया जाता है। कोबाल्ट 60 गामा रेज प्रोड्यूस किया जाता है करती है। अब बॉडी के अंदर इन गामा रेज को डाला जाता है जहाँ भी कैंसर का पर्टिकुलर जो ट्यूमर है बना हुआ है, गामा रेज उस पर्टिकुलर कैंसरस पार्ट को बर्न करती है और इस तरह से उसकी ट्रीटमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं रेडियोथेरेपी भी बोलते हैं, दैट इज़ द गामा रे। अब यहाँ पर जो हमने डिटेक्ट किया है ट्यूमर को वो रेडियोएक्टिव आइसोटोप आर्सेनिक 74 की हेल्प से किया है और उसका जो ट्रीटमेंट किया है कोबाल्ट 60 की हेल्प से किया है। नाउ नेक्स्ट इज यूज टू डिटेक्ट द एक्टिविटी। अब थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के अंदर डिजीज होती है गोइटर, सबको पता है, उसकी प्रॉपर वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है उसकी एक्टिविटी चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं आयोडीन, क्योंकि आयोडीन बच्चों को पता है कि हमें ली जाती है गोइटर डिजीज़ ना हो, इसके लिए ये बहुत बार हम एडवर्टाइजमेंट भी देखते हैं, हम साइंस की बुक में भी स्टडी करते हैं। तो आयोडीन का कौन सा आइसोटोप 131, नॉर्मल आयोडीन तो हमें लेनी है पर डिटेक्ट करने के लिए आयोडीन 131 यूटिलाइज किया जाता है। आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन को के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो प्रॉपर थायराइड ग्लैंड काम कर रही है नहीं कर रही है इसको चेक करने के लिए हम आयोडीन का, तो आपको जब भी थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है आपको ये ध्यान रखना है। आपको देखो इतना एक्सप्लेनेशन कोई नहीं पूछेगा आपको कि आप एप्लीकेशंस लिख रहे हैं तो बहुत बड़ा पेज आपको नहीं भरना, आप सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव, आपको रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के यूजेज ध्यान रखने हैं।
कि इस पर्टिकुलर डिजीज के लिए कौन सा आइसोटोप यूज किया जाता है। तो गोइटर के लिए आप ध्यान रखिए 131 आयोडीन यूटिलाइज किया जाता है। टू डिटेक्ट द लीकेज, कोई अंडरग्राउंड गैस पाइप है, ऑयल पाइप है या वाटर पाइप है, उसमें लीकेज हो गया, कहाँ इतना बड़ा, सपोज के इतने लंबे पाइप से डलते हैं, कहाँ लीकेज हो रहा है हम खुदाई करके तो मालूम नहीं कर सकते, या फिर हो सकता है कई बार अंडर वाटर भी होती हैं पाइपलाइंस, तो वहाँ भी हम मालूम नहीं कर पाएंगे इस तरह से। तो इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है कि इसके पाइपलाइन में से रेडियोएक्टिव आइसोटोप वाले एलिमेंट का सॉल्यूशन पास किया जाता है। इससे क्या होगा, जहाँ भी लीकेज है वहाँ से वो सॉल्यूशन निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो लीकेज के थ्रू सॉल्यूशन निकल रहा है तो वहाँ से बहुत ज़्यादा रेडिएशन से निकलना स्टार्ट हो जाएगी। उन रेडिएशंस को काउंट कर लिया जाता है गीगर मूलर काउंटर की हेल्प से, क्योंकि एक अगर लीकेज नहीं है तो सिस्टमेटिक चलेगा, प्रॉपर काउंटिंग में रेडिएशंस होंगी, बट जहाँ पर लीकेज हो रहा है वहाँ पर रेडिएशंस की जो अमाउंट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज हो जाती है। तो इससे पता चल जाता है किस पर्टिकुलर पोर्शन में लीकेज है, दैट इज़ द एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट होती है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, आइसो बार्स। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए आप, क्योंकि आइसोटोप हमने स्टडी कर लिया है, आइसो बार्स। देखो आइसो का मीनिंग वही होता है सेम, और यहां पर अब की बार बार, बार का मीनिंग ऐसा कुछ नहीं है, पर आइसो बार्स मीन्स होता है वेट यानी मास सेम हो, तो उन आइसोटोप्स को बोलते हैं हम आइसो बार्स। यानी इस बार ओनली मास सेम होना चाहिए। आपको हिंदी का बच्चा है तो वो इसे कोरिलेट कर सकता है बार यानी भार, अगर हिंदी में पता है भार को ही वेट या मास बोलते हैं, हिंदी में उसको भार बोलते हैं, तो सेम भार हो दैट इज आइसो बार्स। दैट मीन्स आइसोटोप्स आइसोटोप्स या एटम्स लिख सकते हैं, नोट आइसोटोप्स, एटम्स विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये तो हो गई डेफिनेशन, यानी मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। अब बच्चे को कन्फ्यूजन होता है कई बार कि सपोज कीजिए जो मिस्टेक आप करने वाले हैं वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मास नंबर मैंने बोल दिया कि डिफरेंट होना चाहिए, इसलिए मैं एलिमेंट एक्स एंड वाई ये दो एलिमेंट ले रखे हैं, मास नंबर सेम कर दिया। सपोज कीजिए मैं मास नंबर यहाँ पर 40 कर देती हूँ, इसका भी मास नंबर 40 कर दिया, ठीक है। अब बच्चा कन्फ्यूज है, वो भूल गया कि मास नंबर उसने सेम कर दिया और वो एटॉमिक नंबर भी सेम कर देता है। तो सपोज कीजिए मैं यहाँ पर एटॉमिक नंबर 20 कर देती हूँ और यहाँ भी एटॉमिक नंबर 20 कर देती हूँ। तो अब सोचिए जिस एटम का एटॉमिक नंबर सेम है वो तो सेम ही एलिमेंट होंगे, तो यहाँ पर जब भी हम एटॉमिक नंबर 20 की बात करें तो 20 का मतलब होता है कैल्शियम, ये भी 20 है तो आपको कैल्शियम लिखना ही पड़ेगा, ये कुछ भी हो चल जाएगा बट नीचे आपको 20 लिखा है तो कैल्शियम लिखना ही पड़ेगा। ये हो गया 20-40, ये भी हो गया 20-40, तो बच्चों ये तो सेम एलिमेंट हो गए, ये आइसोबार्स नहीं है ना ही आइसोटोप्स हैं। तो बच्चे कहीं ना कहीं इसी तरह से मिस्टेक्स करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये लाइन जो है दैट इज द एटम विच हैव सेम मास नंबर, मास नंबर आपको सेम लगाना है बट एटॉमिक नंबर शुड बी डिफरेंट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, और जब एटॉमिक नंबर डिफरेंट है दैट मीन्स क्या होगा, आपके जो एलिमेंट्स हैं वो भी डिफरेंट, यानी जो एटम्स हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होंगे। देखिए बच्चों जब भी हम आइसोबार की बात करें तो आपके जो एटम्स या आइसोटोप्स हैं, यानी ये वाले जो एटम्स हैं आपको कहाँ मिलेंगे, ये वाले एटम्स पास पास वाले एटॉमिक नंबर में मिलेंगे। यानी जैसे मैं लूँ यहाँ पर मुझे आइसोबार लेना है तो दो आसपास वाले एलिमेंट्स को उठाइए आप, वहाँ से आपको आइसोबार्स मिल जाएंगे, मोस्टली यही होता है। जैसे कि सबसे स्मॉलेस्ट मैं लूँ हाइड्रोजन का H1 और इसका 3 और हीलियम ये हो गया 1H3 एंड 2H3, ये दोनों आइसोबार्स हैं।
तो इस तरह से हाइड्रोजन के बाद जस्ट हीलियम है, तो ये वाले क्योंकि एक या दो न्यूट्रॉन ऊपर नीचे होते हैं तो ये आसपास वाले एलिमेंट ही मिलेंगे। इसके अलावा फिर हम देखें आइसोबार्स में सोडियम 23 एंड मैग्नीशियम 23, सोडियम 24 एंड मैग्नीशियम 24। देखो ये फ्रैक्शनल में होते हैं, ये पॉइंट्स में डिजिट्स होती है, लेकिन वो एवरेज होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी ये क्या है, हम मास नंबर लिख रहे हैं, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, नॉट एक्चुअल मास। क्लियर? तो ये हो गया। अब यहाँ देखिए ये आइसोबार है, दैट मीन सेम मास नंबर, तो ऊपर जो डिजिट चल रही है वो मास नंबर की है, नीचे एटॉमिक नंबर है। अब यहाँ तो मैंने लिखा हुआ है, यहाँ भी लिख देती हूँ मैं, ये 11 है और ये 12, ये 11 है ये 12, ये तो पता चल ही गया आपको। इसके बाद और हम उठाएं तो हम लेते हैं पोटेशियम आर्गन, सबसे पहले तो आर्गन पोटेशियम एंड कैल्शियम, आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, ये कंटिन्यूसली 3 एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पर हम इसका, अब ये भी बच्चे को कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा, यानी आइसोबार में क्या डालें, तो बच्चों जैसे मैंने यहाँ डाला सोडियम का एक ऊपर, यानी मैग्नीशियम 24 मिल जाएगा, मैग्नीशियम का एक नीचे 23 मिल गया ना। पर एक बार आपको एक लुक लेना पड़ेगा कि जो आइसोटोप्स हैं वो आपकी नज़र से निकल जाएं, एक बार आपने उनको स्टडी कर लिया तो उनको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर ये हो गया 40, ये भी 40 और ये भी 40। इसके अलावा कैल्शियम 39 भी होता है बच्चों, एंड पोटेशियम 39, तो ये हो गया। ठीक है, तो अपन ये ऊपर वाला ही कर लेते हैं, आर्गन होता है 18, पोटेशियम 19 एंड दैट इज 20। क्लियर? तो आप इस तरह से आइसोटोप सेलेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी एग्जांपल, क्योंकि रटना नहीं है हमें आइसोटोप्स में, बिल्कुल भी नहीं रटना है। इसके अलावा और लेना चाहे तो कार्बन 14, नाइट्रोजन 14, ये 6 होता है, ये 7 होता है। क्लियर? तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए। अब यहाँ पे देखो क्या सेम है या क्या डिफरेंट निकलेगा, यहाँ पे मास नंबर ले हम, वो तो सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, यानी प्रोटॉन्स के नंबर डिफरेंट होती है। और न्यूट्रॉन्स की अगर बात करें तो मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल के हम देख लेते हैं एक बार। जैसे इसमें हम निकालें हाइड्रोजन 1s3 में, तो इसमें 2 है और इसमें 1 है, तो कोई नेसेसरी नहीं है कि न्यूट्रॉन्स के नंबर इक्वल हो, यहाँ पे एक कंडीशन इक्वल है, दैट इज द मास नंबर। प्रोटोन में भी डिफरेंट, प्रोटोन तो डेफिनेटली डिफरेंट ही होंगे, न्यूट्रॉन में भी डिफरेंट। क्लियर? तो ये हो गया हमारा आइसोबार, इसकी प्रॉपर्टी वोपर्टी हमें स्टडी नहीं करनी है। नेक्स्ट है हमारा आइसोटोन्स। देखो आइसोटोन्स, आइसो मीन सिमिलर, और मैंने जब आइसोटोप तो वहां से पी पिक करो, पी फॉर प्रोटोन, आइसोटोन्स यहां एन है, एन फॉर न्यूट्रॉन्स, थोड़ा सा इस तरह से लिंक करके स्टडी करोगे तो पता रहेगा। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एटम्स विच है, एटम्स विच है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स, आइसोटोन्स। अब देखो यहाँ ना तो मैंने ये लिखा है कि मास नंबर सेम हो, या लिखा है कि एटॉमिक नंबर सेम हो, कंडीशन हमारी ये है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। इसके अलावा बाकी की कंडीशन है, कोइंसिडेंटली एटॉमिक नंबर तो सेम लेना ही नहीं है हमें, अलग चीज़ें हैं वो पता नहीं कैसी होंगी, बट यहाँ पर आइसोटोन यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए। लेट्स टेक एग्जाम्पल, सबसे पहले तो मैं 2He4 की बात करूँ, 2He4, यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो मैं यहाँ पर इस तरह से एक लाइन बना लेती हूँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब 2He4, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 2 आ रहा है, माइनस करके हम देख लेंगे, तो हम इसके साथ एक ऐसा आइसोटोप यानी ऐसा एटम पिक करना है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 हो, और इसमें आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, आप कहीं से पिक कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सिमिलर आता है दैट इज द आइसोटोन, तो मैं यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन वाला आइसोटोप उठाऊँ तो मोस्टली यहाँ पर वापस से वहीं मिलेंगे यानी आसपास वाले,
तो मैं एक बार हाइड्रोजन को चेक करूं। हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स हमने स्टडी करे थे, एक में जीरो न्यूट्रॉन था, एक में वन न्यूट्रॉन था, एक में टू न्यूट्रॉन थे, यानी 1H3 ट्राइटियम वाला आइसोटोप यहाँ मेरे फिट बनेगा। तो मैं ट्राइटियम यानी 1H3 ले रही हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये 2 और इसमें भी 2 आइसोटोन्स बन गया आइसोटोन्स। तो आपको ऑप्शन गिवन होंगे क्वेश्चन में, तो आपको माइनस करके चेक करना है कि क्या इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सिमिलर आते हैं। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सिमिलर आते हैं तो आप देखिए वो आइसोटोन की कैटेगरी में आते हैं। टेंशन फ्री रहिए, यहाँ रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सामने आपके एग्जाम्पल है, उन्हीं को कैलकुलेशन, मतलब आइसोटोप, आइसोबोर, आइसोबास एंड आइसोटोन, तीनों टॉपिक ऐसे हैं कि सामने एग्जाम्पल है, उनको देखकर आप पता लगा लीजिए कि कौन सा किस कैटेगरी में आता है। देर आफ्टर फर्दर फिर एग्जाम्पल लें दूसरे। देखो मैं लेती हूं कार्बन 14, ये हो गया 6। यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चलेंगे, यही लाइन हमने डाल रखी है। अब इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गए 8, इसे इंक थोड़ी सी हम चेंज कर लेंगे, हालांकि जब PDF आपको मिलेगा तो कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, पर बोर्ड में आपको सिंपल सा नज़र आ जाएगा डिफरेंस क्या है। यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 निकल कर आते हैं, तो मुझे है ना ऐसा आइसोटोप पिक करना है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 हो। तो मैं चलो ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन को एक बार देख लेते हैं। ऑक्सीजन 8 एंड 16, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अब निकाल के देख लीजिए, न्यूट्रॉन का सिंबल डाल देती हूँ मैं, यहाँ पर 8 है। मेरी कैलकुलेशन बिगड़ जाए तो आप रीचेक कर लीजिएगा एक बार, ये भी 8 है, ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आइसोटोन्स। तो इस तरह से आपको देखना है। अब चलती हूँ मैं, देखिए सोडियम के पास चलती हूँ, सोडियम में क्या निकल कर आते हैं, Na 11 और 23, ये वाला आइसोटोप मैं ले रही हूँ यहाँ पर। यहाँ पर आ रहे हैं मेरे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये 2 और 1, N=12। तो मुझे वो आइसोटोप ढूंढना है जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 हो। तो मुझे लगता है मुझे मैग्नीशियम में ही मिलेगा ये। तो मैग्नीशियम का ऐसा आइसोटोप, आइसोबार हमने देखे हैं, आइसोटोप्स हमने देख लिए, तो मैग्नीशियम का कोई आइसोटोप मैं ढूंढती हूँ जिसमें मुझे ये वाला सिंबल मिल जाए। तो इसमें कैलकुलेशन बिठा कर यहाँ पर होता है 12 और 12 यानी 24, ठीक है। मैग्नीशियम का 24 जो है ये इसमें 12 न्यूट्रॉन हो गए, ये आइसोटोन्स। तो ये मैंने बच्चों कैलकुलेशन करके बता दिए, इस तरह से माइनस करके निकालना है। पता है कि मास नंबर N=मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है, पता है ये N=मास नंबर A and Z। कैलकुलेशन करके हमने देख लिया लास्ट क्लासेस में, स्टडी कर लिया है इसको। तो दैट इज द आइसोटोन्स, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये भी हम कर लेते हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है हमने कर ली हो, नहीं करी एक बार फिर से कर लेते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आएंगे यहाँ पे, एटम्स नहीं होंगे, यानी ओनली एटम्स नहीं होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, क्योंकि एक्चुअली हम सिर्फ एटम की बात करें तो एटम में एटॉमिक नंबर मीन्स प्रोटॉन होता है, और जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल एटम में। तो किन्हीं भी दो एटम्स में इलेक्ट्रॉन सेम नहीं हो सकते। तो सिर्फ आप एटम की बात करेंगे तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कभी नहीं बनेगी। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इसी ले रहे हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। स्पीसीज एनी स्पीसीज एनी स्पीसीज और इसमें मैं डालना चाहूंगी यहां पर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स मत डाल दीजिएगा बच्चों। एनी स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, जो भी गिवन स्पीसीज है उसमें आपको इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन पता है कि एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव आयन है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, पॉजिटिव आयन है तो उतना ही जितना पॉजिटिव चार्ज है उसमें से उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दीजिए, तो वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। लेट्स सी हाउ अब देखते हैं। यहां पर मैं बात करूं नियोन की, Ne, चलिए यहां पर हम डाल देते हैं सिंबल या एलिमेंट सिंबल डाल देते हैं, और यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पर एलिमेंट भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, या मॉलिक्यूल भी हो सकता है। मैं इंस्टेंट यहाँ एग्जांपल डालूंगी, वो कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर नियोन ले रही हूँ। सबसे पहले नियोन का एटॉमिक नंबर है बच्चों 10, और 10 एटॉमिक नंबर है, दैट मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 10 है। तो मैं एक बार एक कॉलम इसका ये भी बना लेती हूँ, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एटॉमिक नंबर नियोन का होता है 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई 10। अब बात करूं मैं यहां पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन फ्लोरीन सोडियम, ऑक्सीजन -2 फ्लोरीन -1 सोडियम +1। इसके अलावा इसके साथ और भी हैं, पहले इन्हीं को देख लेते हैं। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है तो उसमें 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बच्चों यहाँ पर ये 10 इधर रखिए, ऑक्सीजन का 8 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है, और सोडियम का 11 होता है, ठीक है। देखो ये मिस्टेक हो गई, गलत हो गया मेरा, इसको थोड़ा सा मैं साफ कर देती हूँ एक बार। एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो ये हो गया 10, 8, 9 and 11। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि उसमें प्रोटॉन 8 है। बट यहाँ पर देखिए चार्ज लगा हुआ है -2, दैट मीन्स ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट क्लासेस ड्यू टू द स्टेबिलिटी, तो यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं, तो 8 से बन गए 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये 10 है, इसमें भी 10 है। अब बात करें हम फ्लोरीन की, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, 9 के अकॉर्डिंग उसके पास 9 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट यहाँ पर -1 चार्ज है, उसने भी 1 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, तो ये हो गए 10। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो उसकी स्टेबिलिटी नहीं है, उसने अपने आउटर शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बचते कितने हैं 10। तो आप ये देखिए कि इसमें ये तो एटम है, दिस इज एटम, न्यूट्रल एटम, ये एनायन है, एनायन, एंड दिस इज कैटायन, ठीक है। इसके अलावा Mg+2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी 10 होते हैं, Al+3 ये भी 10 होते हैं, तो ये हो गई हमारी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इस तरह से हो सकता है कि कोई मॉलिक्यूल हो वो भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में काउंट होता हो, तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बन जाती हैं। यानी आपके पास जो भी स्पीसीज गिवन है उसमें आप इलेक्ट्रॉन काउंट करके देख लीजिए, वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बन सकती है, ठीक है। तो ये हमारे आइसोटोप, आइसोबार, और यहाँ पर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कंप्लीट होती है। अब बच्चों नेक्स्ट क्लासेस में हमें कुछ बचा हुआ है यहाँ से, यानी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे। टिल देन गुड बाय।